हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बागवान चैनल पे। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये है ग्राफ्टेड प्लांट, 4 साल पहले किया है। गाला में जो है ये ग्राफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो किस तरह से जो इसकी प्रूनिंग करेंगे वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बड इसमें काफी है। फसल जो थी इसमें काफी जबरदस्त थी, और इस वजह से जो इसमें सेटिंग है इस साल थोड़ी कमी होगी, फिर भी जो है बीमा काफी स्ट्रांग है, इतना ज्यादा वीक भी नहीं बोल सकते। तो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। एक ग्राफ्टिंग देख सकते हैं आप, यहाँ से इसमें ग्राफ्टिंग हुई है। तो ये यहाँ से वीक में डाल दिया था, अब मैं इसको दोबारा यहाँ से पीछे कर दूंगा ताकि ये जो ये वाली आईजे है ये इसकी खुल जाए। यहाँ पर जहाँ मेरे को सॉलिड लगेगा थोड़ा बीमा, शायद इनमें फूल आ जाए, वहां मैं इसको रखूंगा। बाकी हल्का हल्का सभी को जो है पीछे मैं कर दूंगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर बीमा बना हुआ है। सेब आगे जो है इसमें लगा था, इसको कर देंगे, इसको यहाँ से बैक, इसको यहाँ से बैक। और जो लीडर बनाने का इसमें कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी जो टहना है सीधा नहीं है, तो इसको इस तरह से मल्टी लीडर मैं रहने दूंगा, क्योंकि ज्यादा इसको हम जो है नहीं बढ़ा सकते, इसमें जो है ब्रांचेज नहीं निकाल सकते, पहले से ही गलत बना है पौधा। तो इसमें जो है बस इसमें जहाँ जितने टहने हैं उतने कोई हम ग्रोथ में लाएंगे। तो ये वाली ब्रांच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ से ग्राफ्टिंग हुई, इसको यहाँ से थोड़ा बैक में कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, इसको छोड़ दूंगा मैं, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे। यहाँ ये आगे कुछ नहीं है इसमें, इस वाले को निकाल दूंगा, इसको थोड़ा वीक में डाल दूंगा, इसको पिन को मैं छोड़ दूंगा। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें जो गाला में इस तरह की दिक्कत आ जाती है, देख सकते हैं पिछले साल यहाँ कट मारा था फिर भी नहीं भागा। तो और मैं इसको इस तरह से जो है कट मार दूंगा ताकि यहाँ से जो है ब्रांच आ सके। तो ये वाला टहना भी हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से इसमें जो है ग्राफ्टिंग हुई है, जहाँ लाल लाल रंग दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से पीछे कर दूंगा, उस वाले को वहां से, मेरे को सॉलिड लग रहा है बीमा, यहाँ पर दे देंगे इसमें हेडबैक, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये है, इसको यहाँ से कट कर देंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से पीछे ले आएंगे, उसको नहीं छेड़ूंगा मैं, और इसको यहाँ से थोड़ा पीछे कर देंगे। ऊपर दो पिन्ने हैं, एक को हम रहने देंगे और इस वाले बीमे को भी मैं निकाल दूंगा ताकि जो है ये ऊपर से ग्रोथ में आए, ग्रोथ इसकी जो है रुक रही है। तो ये यहाँ से हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं ये है, यहाँ से ये पिन है आगे, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, आगे से खराब है ये, अगर आप ध्यान से देखें तो। या तो मैं इसको यहाँ से रोक सकता हूँ बीमे के पास से, क्योंकि पीछे भी इसमें कुछ नहीं है, इसको मैं छोड़ दूंगा, इन सभी को छोड़ दूंगा। यहाँ से इसको निकाल देंगे, एक बीमा है इसमें, इसको निकाल देंगे और यहाँ से जो है इसमें हेडबैक दे देंगे। तो ये वाली ब्रांच होगी। उसके बाद है ये यहाँ से ब्रांच, तो इसको जो है हम बना सकते हैं, लीडर बीच में है, तो इसमें दे ही देता हूँ मैं थोड़े हेडबैक, शायद बन जाए ब्रांच, इसमें दो ब्रांच आ जाएंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो ये वाली भी हो चुकी है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से ग्राफ्टिंग हुई है, इसमें बड बने हुए, नहीं छेड़ूंगा मैं, इसको भी नहीं छेड़ेंगे हम, इसको थोड़ा बैक कर देंगे पीछे, यहाँ बीमा सॉलिड है। और ऊपर से जो है इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मैंने हेडबैक दे दिया, उसके बाद वो वहां से काट दिया, ये इसमें सेकेंडरी ब्रांच थी, इसको यहाँ से बंद कर दिया था, और इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर देंगे, इसको बीमे के पास से रोक देंगे। ये है एक और ग्राफ्टिंग, इसमें हो गया बहुत ज्यादा बीमे, तो इसको दो बीमे में आगे से निकाल दूंगा, क्योंकि पिछले साल क्रॉप ज्यादा थी, इसलिए जो है इसको मैं ज्यादा पीछे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीमा इसमें आगे भी स्ट्रांग है, पीछे जो सारे है वो सेम ही है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो प्लांट है ये हो चुका है। आपको मैं नजदीक से दिखा दूं तो आप देख सकते हैं जो बड है इसमें, बड की जो है कोई भी कमी आपको इसमें नहीं दिखेगी, ये आप देख सकते हैं। ये 4 साल पहले जो है ग्राफ्ट किया है, और पिछले साल इसमें जो है एक जो है बड़ा बॉक्स निकल गया था, मतलब एक किल्टा से थोड़ा सा कम जो है इसमें निकला था। तो आप देख सकते हैं ये 4 साल पहले ग्राफ्ट हुआ है और गाला में है। उसी तरह से आपको एक और यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो है मैंने लीडर बनाया है, इसको आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर से इसमें ब्रांचेस आ चुकी है, बाकी ये लीडर बनाने लायक नहीं था, तो यहाँ से मैंने इसको रोक दिया था वीक में। ये भी देख सकते हैं आगे इसमें कुछ नहीं लगना है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, यहाँ बीमा है, तो मैं इसको यहाँ से रोक दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बीमा है, वहां से कलम थी, ये नहीं बढ़ानी है मेरे को, यहाँ कलम की है,
इतनी रखनी है क्योंकि बहुत टाइट हो रहा है। इसको यहाँ से बैक कर देंगे, यहाँ सॉलिड बीमा लगेगा, इसको छोड़ दूंगा मैं, इसको भी छोड़ दूंगा, इसको निकाल देंगे हम यहाँ से, इस बीमे को निकाल देंगे, यहाँ दे देंगे इसमें हेड बैग ताकि ये ग्रोथ में चला रहे। ये है मेरे ख्याल टाइटमैन की कलम, आप देख सकते हैं बीच में ऐसे ही लग गया है पहले, तो इसको यहाँ से वीक में डाल देंगे, यहाँ से इसको रोक देंगे, इसको जो है मैंने नहीं बढ़ाना है, यहाँ से भागेगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको जो है नहीं बढ़ाना है। ये देख सकते हैं ये यहाँ से ग्राफ्टिंग हुई है, यहाँ इसमें बीमा सॉलिड है, पीछे भी सॉलिड है, तो मैं यहाँ से थोड़ा पीछे इसको कर दूंगा, इसको यहाँ से पीछे कर देंगे, इसको यहाँ से, इसको थोड़ा यहाँ से बैक कर देंगे, वहाँ ज़्यादा हो गया, इसको रहने देंगे, साल झुक जाएगा, इसको यहाँ से बैक कर देंगे, इसको यहाँ से, और उसमें जो है ऊपर दे देंगे हम यहाँ हेडबैक, ये बीमे निकाल देंगे इससे, ये भी निकाल दूंगा मैं, और यहाँ इसमें तो जो है थोड़ी नज़दीक हेडबैक दे देंगे। उसके बाद है ये वाली ग्राफ्टिंग, इसको थोड़ा यहाँ से पीछे कर देंगे, वहाँ आगे कहीं भी सेब का स्कोप नहीं है, यहाँ लग रहा है मुझे शायद सेब लग जाए, तो मैं यहाँ से कट कर दूंगा, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, यहाँ पर जो है इसमें हेडबैक दे देंगे। उसी तरह से ये वाली ब्रांच है, इसमें बीमे ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा पीछे कर दूंगा मैं, इसको निकाल देंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, इसको थोड़ा यहाँ से पीछे कर देंगे, और ये ठीक है, या इसको निकाल दूंगा एक को मैं, और यहाँ एक शूट निकाल के दूसरे वाले में जो है हेडबैक में दे दूंगा जो सीधा ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ग्राफ्टिंग हुई है, इसमें आप बड देख सकते हैं कितने सॉलिड बड है, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, ये ठीक है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं, उसको रहने देंगे क्योंकि पीछे उसमें बीमा नहीं है, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, इसको भी पीछे कर देंगे, इसको भी थोड़ा यहाँ से पीछे कर देंगे, और इसको थोड़ा यहाँ से कर देंगे, और यहाँ इसमें हेड बैग देख के ऊपर के जो दो बीमे हैं पिछले साल वाली जो ग्रोथ थी वो मैं निकाल दूंगा क्योंकि ग्रोथ इसमें जो है काफी कम है। ये यहाँ से ग्राफ्टिंग है नीचे से हुई हुई, इसको थोड़ा यहाँ से पीछे करेंगे, इसको नहीं छेड़ूंगा मैं क्योंकि सॉलिड है सारे बीमे, और इसको यहाँ से कर देंगे। गाला वगैरह में सबसे जो मेन आप लोगों के लिए है वो है आपको कि इसकी थिनिंग करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लगता है रेड गोल्डन की तरह, पॉलिनेस्टर की तरह, तो आप लोग जो है इसकी थिनिंग पे विशेष ध्यान दें, अदरवाइज जो है नेक्स्ट ईयर आपकी क्रॉप जीरो इसमें हो सकती है। थिनिंग जो मेन है वो आप रखें, या फिर जो आपका न्यूट्रिशन है जो आप धरती से देते हैं वो आपके सही होने चाहिए, स्प्रे से इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है इनमें नहीं पड़ने वाला जितना जो है आपको इसमें नीचे से देना पड़ेगा अगर आपकी क्रॉप जो है ज़्यादा चल रही है। उसके बाद देख सकते हैं एक और है यहाँ कलम, ये शायद ग्रैनी स्मिथ की है, इसे मुझे नहीं बढ़ाना है, तो इसको मैं यहाँ बीमा है यहाँ से कट कर दूंगा, और उसमें थोड़ा ऊपर इस तरह से कर देंगे ताकि ये जो है बंद हो जाए। वैसे पॉलिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े पेड़ साथ में, इसलिए इसको जो है मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रहा। ये यहाँ से देख सकते हैं, उसको वहाँ से पीछे कर देंगे हम, इसको यहाँ से पीछे कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा इसको हर जगह से पीछे कर देंगे जहाँ इसमें लग रहा है कि सॉलिड बीमा होगा, और बाकी ऊपर जो है इसमें मैं हेडबैक दे दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से इसको मैंने बैक कर दिया, यहाँ से इसको बैक कर देंगे, वहाँ ऊपर से बीमे के पास रख देंगे, और ऊपर के जो दो बीमे हैं उसको निकाल के इसमें हेडबैक दे देंगे। तो ये भी हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा पीछे कर दूंगा, ये वाली कलम भी जो है हो चुकी है, और इसको बना रहे हैं हम लीडर, तो इसमें यहाँ हेडबैक दे देंगे, यहाँ भी दे दूंगा मैं, पहले नहीं दी थी, यहाँ दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ से ब्रांच बन गई है। ये इसको यहाँ से निकाल देंगे एक को, और यहाँ हेडबैक दे देंगे, सभी में जो है इसमें हम हेडबैक दे देंगे, तो इसमें यहाँ हेडबैक दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ से दे देंगे, यहाँ भी दे देंगे, यहाँ भी दे देंगे, यहाँ से बीमे निकाल देंगे इसके दो आगे से, इसमें भी जो है हेडबैक दे दूंगा मैं यहाँ से, इसमें हेडबैक दे देंगे, ऊपर इसको थोड़ा कम कर देंगे, और ऊपर से सिंगल करके जो है इसको हेडबैक हम दे देंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें जो है बहुत सी ब्रांचेज मैंने निकाल दी है, तो ऊपर आप देख सकते हैं इसमें दो ही टहने जिसको हमने लीडर बनाया है, तो इसमें जो है मैं हेडबैक इसको निकाल दूंगा, और इसमें नज़दीक ही हेडबैक मैं दे दूंगा यहाँ, तो आप देख सकते हैं इस वाले को जो हमने लीडर बना दिया है क्योंकि स्ट्रांग भी है और ऊपर ब्रांचेस निकाल दिए, बाकी इसमें एक एक जगह से बढ़ाया है, बाकी आप देख सकते हैं बड की जो है इसमें
कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये भी जो है 4 साल पहले ग्राफ्टेड है, आप देख सकते हैं बीमो की जो है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फुल क्रॉप इसमें इस साल भी आ सकती है, थोड़ी फसल पिछले साल ज्यादा थी पर न्यूट्रिशन हमारा ठीक था। आप देख सकते हैं यहाँ तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमें इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।